हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर है। तो क्या है, 65वीं बीपीएससी मेंस का जो कि एडमिट कार्ड है, जो कि जारी कर दिया गया है। बहुत सारे लोग सस्पिशन में थे कि एडमिट कार्ड है जो कि जारी नहीं किया गया है। और क्या, परीक्षा अब जनवरी में होगी, फरवरी में, तो ये सारी शंकाएँ हैं जो कि आपकी खत्म हो गई है। और 65वीं बीपीएससी मेंस है जो कि 25 नवंबर से ही शुरू होगी। एडमिट कार्ड है जो कि आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग से नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। तो जो पुराने हैं उनको तो पता है कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड होता है, लेकिन एडमिट कार्ड आप जाकर कैसे डाउनलोड करेंगे, कोई नोटिफिकेशन कहीं नहीं, ना लिंक दिया हुआ। पहले कहाँ जाना है आपको, बीपीएससी में वेबसाइट पर जाना है, फिर आपको अप्लाई ऑनलाइन जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वहाँ जाना, फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के नीचे लॉगिन है, तो आपका यूजर नेम जो आपको अंकों में दिया हुआ था और पासवर्ड जो BCD15 ये सब जो रहेंगे वो डालना है, और आपको कैप्चा इंटर करना है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे तो आपने जो फॉर्म भरा था मेंस का, वहीं पर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड रहेगा। एडमिट कार्ड आप है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब क्या है कि आपको अपना जो यूजर नेम है और पासवर्ड है उसको खोलना पड़ेगा, उसमें एडमिट कार्ड है। अलग से कहीं भी बीपीएससी के साइट पर कोई सूचना नहीं है कि आज से जारी होगी। या तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, अपने यूजर नेम और पासवर्ड में जाकर जिस तरह आपने फॉर्म भरा वहाँ जाइएगा, और वहाँ पर आपको ब्लिंक करेगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड। वहाँ पर आपको क्लिक करके जो कि आपको डेट ऑफ बर्थ या कुछ पूछेगा, वहाँ पर इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मतलब आज से जो कि बहुत सारे लोग है जो कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको एडमिट कार्ड है जो कि 65वीं बीपीएससी मेंस का है, जो कि जितने भी कैंडिडेट के हैं वो जारी कर दिया गया, अपने अपने यूजर नेम और यूजर नेम जो आपने भरा है उसमें जारी कर दिया गया है। तो अब सस्पिशन खत्म है, और आप सेंटर देख ले कि कहाँ पर है, और जो परीक्षा है आपको जो शेड्यूल है उसमें है जो, और अब क्या कर सकते, क्योंकि परीक्षा तो 25 नवंबर से शुरू है। तो अभी आप कोशिश करें कि नए क्वेश्चन को आप नहीं पढ़ें। क्या होगा कि आप पुराने जितने पढ़े वही अगर उसी में आ जाए तो उसी को अच्छे ढंग से, क्योंकि आपको हिंदी है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसको बहुत ज़्यादा अभी समय देने की ज़रूरत नहीं है। आपको GS फर्स्ट और GS सेकेंड, और आपको जो ऑप्शन विषय, यही तीनों पर है जो कि आप ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि अब काफ़ी कम समय है, आपको लगभग 1 सप्ताह और समय है। तो आप GS पर है जो कि ज़्यादा ध्यान दें ऑप्शन पेपर में, क्योंकि अभी आप थोड़ी बहुत अगर रिवीजन है तो रिवीजन का मतलब अभी जो है वो रिवीजन करने का समय है, कि आप जितना अच्छे ढंग से रिवीजन कर सकते हैं वो करें। और आपकी सस्पिशन जो एक ख़त्म हो गई कि 25 नवंबर को परीक्षा बढ़ेगी, क्योंकि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया था, क्योंकि 3 दिन है जो कि बिहार सरकार में कल तक छुट्टी थी, आज ही ऑफिस खुली है, फिर 3 दिन खुली रहेगी, फिर 3 दिन बंद होगी। और तो ये है जो कि आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड अपने अपने यूजर नेम पर आप जाकर आप देख सकते हैं। अब जो सबसे बड़ा इंतज़ार है, सबसे ज़्यादा जो डर लग रहा है वो BSSC इंटर लेवल वाले को लग रहा है, कि BSSC इंटर लेवल के एडमिट कार्ड का कोई सूचना अभी तक नहीं आया, ये 13 दिसंबर से आ गया। तो 13 दिसंबर को आपको हर हाल में परीक्षा होगी, इसमें कोई कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग केस हुआ है, ये हुआ, ये सब सिर्फ अफवाह है, ये सब से कुछ नहीं, वो जो केस किया गया है वो भी एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ उसमें कोई दम नहीं है। उसमें कहा गया कि आप हमको मार्क्स शो कीजिए, आपको पहले से ही कितने कट ऑफ है, ये कोई केस नहीं होता। ये तो जानकारी आप मांग सकते हैं RTS, और लिखेगा कि प्रक्रियाधीन है, तो मतलब उसमें कोई दम नहीं है, ना ही आपकी कोई परीक्षा रुकने वाली है। लेकिन लोगों के मन में डर है, क्योंकि 6 साल हो गई है। तो आप है जो कि तैयारी है जो कि BSSC इंटर लेवल की, आप पूरे लगन से, आपकी परीक्षा 13 दिसंबर को ही होगी, और इसकी एडमिट कार्ड जो है आपको, क्योंकि ये जो 3 ही दिन खुली हुई है, इस 3 दिन में अगर सूचना आया थी तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी सूचना कब आएगी, तो 23 तारीख को आएगी, क्योंकि 23 तारीख को ऑफिस खुलेगा। बीच में फिर नहीं घबराना कि अभी तक इसकी कोई सूचना, जैसे 65वीं बीपीएससी मेंस वाले घबरा रहे थे कहीं कोई सूचना नहीं है, तो आप है जो कि आपके एडमिट कार्ड है जो कि देखिए आखिरकार जारी कर देंगे, तो उसी तरह आपको या तो 2 दिन में जारी हो, और नहीं तो फिर आपको 23 तारीख या 24 तारीख को आपको सूचना आ जाएगी कि आप डाउनलोड कर दो। आपने देख रहे होंगे कि बिहार दरोगा मेंस के लिए भी हो रहा है, और एडमिट कार्ड है जो कि जारी कर दिया गया, ESI का भी कल से डाउनलोड कर, मतलब सारी परीक्षाएँ अब है जो कि सही रास्ते पर चल रही है, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और क्या है आज के अखबारों में, अगले 1.5 महीने में आयोजित होगी 5 बड़ी परीक्षाएँ। तो 5 बड़ी परीक्षाओं में 2 PTK और जबकि 2 मुख्य परीक्षाएँ, और जबकि 1 सामान्य लिखित परीक्षा होगा। किसकी परीक्षा होगी, तो
आपको 31वीं बिहार न्यायिक सेवा 6 दिसंबर को है, सहायक वन संरक्षक परीक्षा 1 से 17 दिसंबर, और 65वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा तो 25 से 28 होगा, ये प्रथम इंटर स्तरीय 13 दिसंबर को, और सहायक उर्दू अनुवादक 25, जिनकी तिथि जल्द घोषित होगी घोषित 66वीं बीपीएससी पीड़ित घोषित है, इसमें 27 दिसंबर को होगी, और उर्दू अनुवादक ये सबका भी करना है। तो मतलब है कि आपको अब जो है ये 65वीं बीपीएससी का तो मेंस जारी हो गया, अब इंटरव्यू है जो कि आपको 1 दिसंबर से जो कि शुरू है 64वीं का, और बीपीएससी का भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 66वीं का क्या डेट बढ़ेगा, अब क्यों डेट बढ़ेगी, अब तो कोई कारण ही नहीं है डेट बने, अब ये सब मन में अफवाह, अगर आपके मन में अशांति तो हटा दें कि आपकी परीक्षा है कि किसी भी तरह की डेट अब बढ़ने वाली, जितनी बढ़नी थी वो बढ़ गई, अब जो शेड्यूल है उसी के अनुसार परीक्षा होगी, अब इसमें कोई कन्फ्यूजन, सारी परीक्षाएं अब समय से होगी, और एडमिट कार्ड भी है जो कि जारी किए जा रहे हैं, और परीक्षा भी आपकी समय पर होती है। इसी के साथ धन्यवाद।